पशुपालक भाई को आज एक चीज का जानकारी दे रहे हैं। दुनसा ये बछिया है, बछिया पैदा होने के बाद ये माँ का दूध पीता है, वो मीठा होता है, इसके वजह से इसका पेट में जो है कीड़ा होता है। कीड़ा दो तरह की होता है, एक जिसको हम परजीवी बोलते हैं, एक होता है पेट के अंदर और एक होता है इसके चमड़ी में। तो उनसे चमड़ी वाला है इसमें, जैसे जिसको हम जू बोलते हैं, चिचर बोलते हैं, जैसे इसमें लगा हुआ है, जू भी है चिचर भी है। तो ये क्या करता है, जौन सा बच्चिया है उसका जितना भी मतलब वो खाना खाता है, जौन सा खून बनता है, वो खून से जौन सा इसका पोषण तंत्र है वो चूस लेता है, तो वो जो है इसके शरीर में नहीं लगता है। इस वजह से ये जो है बहुत पतला होता है, दुबला होता है, और ये जो है बैठने के बाद उठने में इसको जो है दिक्कत होता है। तो इसीलिए जौन सा ये जू है, चिचर है, इसको जो है हर साल इसको जो है कंट्रोल करना चाहिए, काबू करना चाहिए। इसका दो तरीका है, जैसे बाज़ार में जो है इसका आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन आता है, वो आप इंजेक्शन लगा दीजिए, या तो इसके गोली भी आता है, टेबलेट आता है, वो आप इसको जो है खिला दीजिए, या तो फिर ब्यूटॉक्स जिसमें डेल्टा मेट्रिन है, सल्फर मेट्रिन है, ऐसे करके बहुत सारे केमिकल्स है, उससे जो है कुछ जो है यही सोल्यूशन बना आता है, डिटॉक्स नाम से आता है। तो उसको उसका जो है पानी में घोल बनाइए, घोल बना के किसी कपड़े में लेके उसको जो पूरा बॉडी शरीर में उसको जो है लगा दीजिए। तो कम से कम लगाने के बाद आधा घंटा रखिए उसको, तो उसका जैसे स्किन है वो पानी जो है चूस लेगा, तो साथ के साथ दवाई भी अंदर चूस लेगा। तो जितना भी जू है, चिचर है, वो सब वही दवाई को जो है चूस लेगा। चूसने के बाद जो है वो फिर जो है मर जाएगा, कौन सा जू चिचर है मर जाएगा। या तो फिर आप एक काम कीजिए, जैसे पशु है, पशु को रोज़ नहाना चाहिए, फिर मतलब सादा ताज़ा पानी से नहाना चाहिए, और उसमें जो है आप जो है जैसे वो कपड़ा धोने वाला प्लास्टिक का वो ब्रश आता है ना, वो ब्रश से जो है इसको जो है रगड़ा मरना चाहिए, इसको रगड़ा मार के एक एक जो से कीड़ा लगा हुआ है उसको जो है मतलब शरीर से जो है अलग करना चाहिए। या तो फिर अगर ग्रास नहीं है तो नीम का पत्ता होता है, तो नीम का पत्ता पानी डाल के नीम के पत्ते से जो है पूरा मतलब रगड़ रगड़ के जो है इसको जो है नहला दीजिए। तो इससे जो है आपका जो सा परजीवी है, जो चिचर है, वो सब जो है काबू में आ जाएगा। तो उसमें इसके बाद इसको जो है जिनसे एक्टोपैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट से ये जो है कंट्रोल में आ जाएगा। अब अभी आ गया आपका अंदर का, अंदर का जो सा पेट में देखिए कितना बड़ा इसका पेट हो गया, पेट इसका फूल गया है। तो इसमें जो है बहुत बहुत तरह के कीड़ा है, जैसे टैप वर्म है, राउंड वर्म है, हुक वर्म है, लीवर में भी होता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी खाना ये खा रहा है वो सब पेट में जा रहा है, और वही कीड़ा क्या कर रहा है, उसी खाने को खा रहा है। खाने से वो जो सा पोषण तंत्र है वो इस पशु को नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से वो तो फूल रहा है, वो तो खा रहा है, वो तंदुरुस्त हो रहा है, तो इसके वजह से इसका पेट जो है फूल रहा है। तो वो जो सा परजीवी है वो इसके लिए है बहुत हानिकारक है, क्षतिकारक है, तो इसको जो है काबू करना चाहिए। इसके लिए बाज़ार में एल्बेंडाजोल ग्रुप आता है, एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, मीबेंडाजोल और बहुत सारे ग्रुप का वो आता है। तो उन सब ग्रुप का कोई भी जो है बोलास हो, टैबलेट हो, वो जो है आप इसको खिलाइए। जैसे ये फेंटास का आता है, फेनबेंडाजोल आता है, तो इससे जो है ये जो सा बोलास है, ये बोलास भी इसके बॉडी वेट के हिसाब से जो है आप जो है इसको खिलाइए। तो ऐसे करके आप अगर अंदर वाला कीड़ा और बाहर वाला कीड़ा अगर काबू करेंगे, तो इससे जो है आपका जो सा पशु है उसका अंदर वाला कीड़ा भी काबू हो गया, बाहर वाला कीड़ा भी काबू हो गया, जो भी इसको खिलाएंगे वो तो सब इसका शरीर में लगेगा, तो पशु जो है तंदुरुस्त रहेगा। और एक भी जो सा बछिया है, बछिया को हम जो है 18 महीने में इसको जो है हीट में लाएंगे, तभी जाके जो है पशुपालक जो है गुना फैलेंगे। धन्यवाद।